الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم الحمد لله اس سے پہلے बुखारा समरकंद तिरमिज के तारीखी सफर की कारगुजारी, फिर उसके बाद स्पेन और तुर्की के सफर की कारगुजारी, फिर मिस्र और मस्जिद अक्सा के सफर की कारगुजारी, आपकी इसी मस्जिद में बयान हुई, जो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में उर्दू और गुजराती जुबान में किताब बनकर तीन हिस्सों में छप भी चुकी और छपती भी रहती है। अल्लाह सुबहानहु व ताला इन कारगुजारियों को हम सब के लिए इबरत और नसीहत का जरिया बनावे और उसको मेरे लिए, आपके लिए दुनिया और आखिरत में अपनी रज़ा और खुशनुदी का जरिया बनावे। इस वक्त जो कारगुजारी आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, ये वो इलाका और मुल्क है जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उन मुल्कों के नाम को भी जानते नहीं हैं। हम भी पहले नहीं जानते थे, कुछ कुछ उससे जानकारी और वाकिफियत थी। एक लंबे जमाने से दिल भी चाहता था, मशवरे भी हो रहे थे कि इन इलाकों में दीनी निस्बत पर हाजिरी देनी चाहिए। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन कदरा, हर चीज का अल्लाह के यहाँ एक वक्त तय होता है, उसी वक्त पर वो काम वजूद में आता है। अभी कुछ अरसे से रमजान के फौरन ही बाद हमारे उस्ताद और मुशफिक और मुर्शिद हजरत अकदस शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ
इंग्लैंड वगैरह ममालिक के असफार का एक सिलसिला है। इस साल वहीं से ये दूसरे मुल्कों का भी सफर साथ में अल्लाह के फजल करम से हुआ। जो लोग इतिहास, हिस्ट्री, जुग्राफिया और भूगोल से थोड़ी बहुत वाकिफियत रखते हैं, ये जो ममालिक है ये यूरोप का एक हिस्सा है और पुराने जमाने में उसको बलकान का इलाका कहा जाता था, जैसे कि वेस्ट इंडीज है कि उसमें चंद ममालिक है, इसी तरह ये बलकान ये भी चंद मुल्कों का एक मजमुआ है। फिर बाद में युगोस्लाविया नाम का मुल्क वजूद में आया, उसमें ये सब इलाके शामिल होते थे। बलकान उसको बॉलकॉन भी कहते हैं, इसका माना ही ये होता है कि जहां ऊंचे ऊंचे हरे भरे खूबसूरत पहाड़ हो, ये डिक्शनरी में इसका ये माना लिखा हुआ है। और जैसा उसका मीनिंग है वैसा ही ये इलाका है। पूरा ये इलाका जिसमें हरे भरे दरख्त है, ऊंचे ऊंचे बुलंद पहाड़ है, बल्कि बलकान और युगोस्लाविया के बाज मुल्क ऐसे हैं कि उन मुल्कों में 70% पहाड़ ही पहाड़ है और सिर्फ 30% खुली हुई जमीन और जंगल और पानी और नदी के इलाके हैं। ये बलकान किसी जमाने में तुर्की में जो खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी उसके मातहत में ये इलाका पूरा आता था। 1463 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक ये पूरा बलकान का इलाका खिलाफत उस्मानिया के मातहत आता था और अल्लाह ताला ने इस इलाके को बहुत ही जाहिरी खूबसूरती भी अता फरमाई कि वहां पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं, तालाब है, पानी के बहुत सारे चश्मे और आबशार है, फल फ्रूट और सब्जियां भी इस इलाके में बहुत होती है, ऊंचे ऊंचे बुलंद खूबसूरत पहाड़ भी बहुत है और जैतून तो इस इलाके के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में होते हैं। बल्कि वहां हमको लोगों ने बतलाया कि यहां जैतून के बाज दरख्त हजरत ईसा अलैहिस सलाम के जमाने से कायम हैं। इतने कदीम दौर से यहां जैतून की बाड़ियां हैं और खास करके अल्बानिया के जैतून और जैतून का तेल पूरे इलाके में बहुत ही मशहूर है। ये बलकान के मुल्कों में हमारी तफसीर और इस्लामी तारीख के साथ
कुछ कुछ कनेक्शन और ताल्लुकात मिलते हैं। बलकान के मुल्कों में एक मुल्क है मकदूनिया, जिसको आजकल मैसोडोनिया कहा जाता है। ये मकदूनिया हमारी तफसीर में एक नाम आता है सिकंदर मकदूनी, अलेक्जेंडर अल मकदूनी। ये अलेक्जेंडर कहो सिकंदर कहो, इनका ताल्लुक इसी मकदूनिया और मकदूनिया के पड़ोस में ग्रीस, जिसको यूनान कहा जाता है, उससे सिकंदर अलेक्जेंडर बादशाह का ताल्लुक रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों की हुकूमत रही या दुनिया के बहुत से इलाकों में रही, उनमें एक नाम सिकंदर मकदूनी अलेक्जेंडर का नाम भी मिलता है। हमारी तफसीरों में ये नाम इसलिए आता है कि बाज़ हजरात को ये गलत फहमी हुई है कि सूरे कहफ में जो वयस अलून का अनजिल करनैन है, तो बाज़ हजरात को ये गलत फहमी हो गई कि जुल करनैन से यही अलेक्जेंडर इस्कंदर मकदूनी मुराद है। हालांकि कुरान में जिस ज़ुल्करनैन का तस्किरा है, वो तो कोई अल्लाह के बहुत नेक और साले और मुखलिस बंदे थे, और ये जो मैसोडोनिया मकदूनिया का अलेक्जेंडर बादशाह था, ये तो बड़ा मुशरिक बादशाह था, बड़ा जालिम बादशाह था, लोगों से अपनी इबादत करवाता था और उसके अंदर ईमान नहीं था। ये अलेक्जेंडर इस्कंदर मकदूनी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 300 साल पहले का उसका जमाना है, और इसी ने मिस्र में एक शहर आबाद किया जिसको आज भी इस्कंदरिया कहा जाता है। अलेक्जेंडर ही के नाम से अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं, इस्कंदरिया भी कहते हैं। इस वक्त मिस्र का एक शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी हाजिरी की सआदत हासिल हुई, जिसकी कारगुजारी मैं इससे पहले यहां आपको सुना चुका हूं। बलकान के इलाके से हमारे भारत हिंदुस्तान के अकाबिरीन और बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी निस्बत रही है। मैं उसका बहुत मुख्तसर इस वक्त आपके सामने तस्किरा करूंगा, इसलिए कि हमारे अकाबिर और बुजुर्गों ने बलकान के इलाके के सिलसिले में जो मेहनत और फिक्रे की है, अगर मैं उसकी पूरी तफसील आपको सुनाने जाऊं तो शायद ये वक्त पूरा उसी में गुजर जाए। इसीलिए बहुत इख्तिसार के साथ आपको सुनाता हूं। जिस वक्त हमारे मुल्क में अंग्रेजों का कब्जा था, तो उसी जमाने के अंदर रूस ने यानी रशिया ने बलकान के इलाके के ऊपर हमले शुरू किए, और ये बलकान यूगोस्लाविया का इलाका उसने अपने कब्जे के अंदर लेने की कोशिश शुरू की। हालांकि ये पूरा इलाका तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के मातहत होता था। उस जमाने में हमारे हिंदुस्तान के चोटी के अकाबिर और बुजुर्गान दीन, कि जिनका नाम लेना भी हमारे लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत का जरिया है, और अल्लाह के यहां उनकी निस्बत इंशाअल्लाह हमारे लिए नजात का जरिया है, ऐसे हमारे बुजुर्गान दीन यानी हजरत मौलाना कुतुब आलम रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह,
हजरत मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उस जमाने में ये बलकान के इलाके की जंग के लिए बहुत ज्यादा फिक्रें भी की, मदद भी की, मेहनत और कोशिशें की। इस सिलसिले में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है और शायद आपको मालूम न हो तो एक अजीब बात आज मैं आपको बतलाऊंगा। 1874 ईस्वी में, 1874 में जब ये बलकान का इलाका रशिया के हमलों की वजह से तुर्की के हाथ से निकल रहा था और वहां हजारों मुसलमान औरतें बेवा थी, हजारों मुसलमान बच्चे यतीम हुए थे और बहुत भारी जंग चल रही थी, तो अभी जो मैंने नाम लिए हमारे उन बुजुर्गों ने पूरे मुल्क के अंदर चंदा किया और ऐसा अजीबोगरीब चंदा किया कि 1874 में 12 लाख रुपए का पूरे मुल्क से चंदा किया गया। अब आज तो वो कितने बनते हैं हम उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। और वो 12 लाख रुपए जब तुर्की खिलाफत उस्मानिया को पहुंचाए गए, उसकी सारी रसीदें और डिटेल मौजूद है, तो उस वक्त तुर्की के खलीफा ने खुश होकर के एक बहुत बरकती कपड़ा कि जिसमें हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक कई सालों तक लपेट करके रखा गया था, वो कपड़ा दारुलूम देवबंद के लिए हदीये में भेजा था और वो कपड़ा आज तक दारुलूम देवबंद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जब भी देवबंद जाना हो तो उस मुबारक कपड़े की जरूर जियारत कर लेना, जो उस वक्त पर जंगे बलकान के मौके के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने पूरे मुल्क से फिकर मेहनत कोशिश करके जो चंदे की इतनी बड़ी रकम भेजी थी, उसकी खुशी में जो वहां से एक मुबारक कपड़ा हदीये में भेजा गया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी तारीखी यादगार है। और आपको जान करके हैरत होगी कि ये 1874 की ये हिस्ट्री आज भी तुर्की की गवर्नमेंट भूली नहीं है। अभी गुज़िश्ता साल उन्होंने अगले साल बहुत बड़ा तुर्की इस्तांबुल में सेमिनार किया था हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, और उसमें पूरी दुनिया से बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया। इससे अंदाजा लगाओ कि इस वक्त की तुर्की हुकूमत के दिल में हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की कितनी अजमत और कितना एहतराम होगा कि उन्होंने इतना बड़ा सेमिनार वहां पर करवाया था। ये तो माली चंदा भेजा, और उस चंदे के वक्त के एक एक किस्से सुनो तो हैरान रह जाते हैं। दारुलूम, एक किस्सा मैं आपको उस वक्त का सुनाऊं। दारुलूम देवबंद के मोहतमिम, बहुत सुने आप में से उनको देखा भी होगा, बयान भी सुना होगा, हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो तकरीबन 50 बरस दारुलूम देवबंद के मोहतमिम रहे, वो अपनी सगी दादी दादा का एक अजीब किस्सा सुनाया करते थे कि उनके दादा जान यानी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कि जब शादी हुई तो नानोता एक गांव है, बहुत हिस्ट्रिकल गांव है, देवबंद के पड़ोस में है, और वहां से बड़े बड़े औलिया अल्लाह उम्मत को मिले जिन्होंने उम्मत की अजीम शान दीनी खिदमात की।
तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी की शादी देवबंद में एक बहुत मालदार घराने के अंदर हुई। दुल्हन जब आई पूरे जवेरात से तैयार होकर के पहन करके, पहली रात रुखसती की, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचे तो बहुत सारी बातें कही और उसमें एक बात ये कही, इतने सारे जेवर के साथ इस गरीब मौलवी के साथ तो तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। ये जवेरात इस वक्त बलकान में जो मुसलमान बेवाएं हैं, यतीम है, और खिलाफत की हिफाजत के लिए जो लोग जंग लड़ रहे हैं उनके लिए पूरे मुल्क में चंदा हो रहा है, अगर तुम खुशी से इजाजत दो तो तुम्हारे ये सारे जवेरात मैं उसके चंदे के अंदर जमा करा दूं। कैसी जज्बात वाली वो दुल्हन होगी, फौरन उतार करके सारे जेवर हजरत के कदमों में रख दिए उसी पहली रात में कि मेरे ये सारे जवेरात जंगे बलकान के लिए वक्फ है। फिर कुछ दिन रहने के बाद अपने अब्बा के घर दोबारा गई दुल्हन, तो जबान से तस्किरा तक नहीं किया, कैसा इखलास होगा कि अब्बा मेरे सारे जवेरात तो मेरे शोहर ने जंगे बलकान के लिए दिलवा दिए। अब्बा जान ने देखा बेटी को कि बदन पर जेवर नहीं है तो समझ गए, और फिर दोबारा इतने ही जेवर पूरे तैयार करवाए और तैयार करके दोबारा अपनी बेटी को सारे जवेरात दिए और ससुराल नानों का रवाना किया। जब दोबारा जो है बहू अपने ससुराल पहुंचती है, वो बहू बहू थी, शोहर शोहर थे, ससुराल ससुराल था, ऐसी कुर्बानियों के बाद ये वजूद में आता है कि आज पूरे हिंदुस्तान बल्कि आलम के एक बड़े हिस्से पर इनके इल्मी और दीनी एहसानात है। ये जब गई दोबारा दुल्हन नए जेवर लेकर के, तो फिर हजरत ने उनकी जैन साजी की और दूसरी मर्तबा भी सारे जेवर इसी जंगे बलकान के चंदे में दिलवा दिए। कैसी कुर्बानी होगी अंदाजा लगाइए। जब हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी दादी का ये वाकया सुनाते थे तो आंखों से आंसू निकलते थे। तो ये जंगे बलकान के साथ हमारा एक बुजुर्गों का एक रूहानी रिश्ता है कि उसके लिए पूरे मुल्क से मुसलमानों ने कितना बड़ा उस जमाने में चंदा दिया था। बल्कि इतनी ही बात नहीं, 1877 ईस्वी में एक काफिला तैयार हुआ कि बाकायदा ये काफिला अमलन बलकान के इलाके में जाएगा और रूसियों के खिलाफ जो जंग हो रही है उसमें बाकायदा ये शरीक होंगे और यतीमों की और बेवाओं की और उजड़े हुए लोगों की खिदमत करेंगे। उसके लिए एक काफिला तैयार हुआ जिसको उन्वान दिया गया सफर हज का, कि हिंदुस्तान से हज में जाएंगे और हज से फिर बलकान के इलाके के अंदर जाएंगे। ये जो काफिला तैयार हुआ इसमें भी कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जलीलुल कद्र हमारे अकाबिरीन शरीक हुए और इनकी बरकत से एक बहुत बड़ा काफिला तैयार हो गया। और उसका मकसद ही ये था कि बाकायदा हज से फारिग होकर बलकान जाएंगे और जाकर के जंगे बलकान के अंदर बाकायदा शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। इससे अंदाजा लगाओ कि हमारे बुजुर्गों के दिल के अंदर उस जंगे बलकान की कितनी अहमियत और अजमत होगी।
उस जमाने में हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह जो चंदे की अपील शाये करते थे, उसके अल्फाज जो अगर हम पढ़े तो दंग रह जाते हैं। एक दो बात उसमें से मैं आपको सुनाऊं। हजरत ने उस जमाने में लोगों को अपील करते हुए कहा कि अगर बलकान खिलाफत उस्मानिया से निकल गया और ये कमजोर हो गई तुर्किया खिलाफत, तो याद रखो हरमैन शरीफैन का एहतराम भी पामाल और खत्म हो जाएगा। एक जुमला एक मौके पर हजरत ने ये लिखा कि चंद दिनों में इस्लाम पूरे रुए जमीन से खत्म हो जाएगा। एक मौके पर ये फरमाया कि इस जंगे बलकान को सिर्फ बलकान की जंग मत समझो, इसमें जो अगर मुसलमान हार गए तो पूरे आलम इस्लाम का इस्लामी निजाम मुतासिर होगा। इतनी बहुत ताकीद के साथ हजरत ने लोगों को अपील की। बहरहाल ये कुछ हमारा हिंदुस्तान के अकाबिरीन का बलकान के इलाके से एक तारीखी ईमानी दीनी रिश्ते की कुछ मुख्तसर ये रुईदात है। माजी करीब में यानी अभी करीब के जमाने में अल्बानिया के एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर चमका, अगरचे उनकी तमाम बातों से हम मुत्तफिक नहीं हैं, वो शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहिमहुल्लाह है। इस वक्त सऊदी अरब और अरब मुल्कों के अंदर इनकी किताबों का और उनके नाम का बहुत ही बड़ा वजन है, बड़ा वजनदार नाम है अरब दुनिया में। ये शेख नासिरुद्दीन अल्बानी इसी अल्बानिया के रहने वाले थे और आज भी एक गांव है उनकी जहां वो पैदा हुए, जहां वो बड़े हुए, वो मुतायन एक जगह है। इस सफर का मकसद था इस इलाके के मुसलमानों की दीनी निस्बत से मुलाकात और दीनी निस्बतों के ऊपर क्या इनकी जरूरियात है और दीनी एतबार से हम क्या उनके बारे में फिक्रें कर सकते हैं, इन अहम मकासिद को सामने रख करके ये सफर था। इसमें कितने अफराद थे और कौन सी तंजीमों के साथ हमारा सफर हुआ, ये भी एक लंबी चौड़ी दास्तान है जिसको मैं इस वक्त के ऊपर बाकी रखता हूं। इंशाल्लाह इसको आइंदा किसी मजलिस में या तहरीरी कारगुजारी के अंदर इसको इंशाल्लाह शामिल करेंगे। लंदन शहर के करीब लूटन नाम का एक एयरपोर्ट है, वहां से हमारा काफिला रवाना हुआ। तो एक अजीब नेक फाली की बात मैं आपको बतलाऊं, हम लोग लूटन एयरपोर्ट से हवाई जहाज में सवार हुए। अल्लाह ताला की शान देखो कि एक साथी जो इस सफर के बड़े अहम मेजबानों में से थे, मौलाना हनीफ साहब दूध वाला जो वहां इंग्लैंड में एक तंजीम चलाते हैं, हमारा तकरीबन 35-40 आदमियों का काफिला था इंग्लैंड से, तो उनके बाजू में एक नौजवान निहायत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल के कपड़े पहने हुए। मौलाना हनीफ साहब कहते कि मेरा मामूल है कि अड़ोस पड़ोस वालों के साथ अलेक सलेक कुछ कर लेता हूं, तो उन्होंने उसके साथ कुछ अलेक सलेक किया तो उस लड़की के दिल के अंदर अल्लाह ताला के यहां से कुछ और ही फैसला था उसके बारे में। तो उसने बहुत तवज्जो के साथ जवाबात दिए और फिर इस्लाम के मुतालिक उसने कुछ सवालात पूछे, मालूमात हासिल की। मैं हवाई जहाज में आगे की तरफ था, बीच में मौलाना हनीफ साहब थे, मैं और कारी अब्दुल हन्नान साहब एक तरफ थे और हजरत मुफ्ती साहब बिल्कुल पीछे, क्योंकि व्हीलचेयर से हजरत तशरीफ लाए थे तो पीछे से अंदर दाखिल हुए और वहां ब्लैकबर्न में एक मुफ्ती यूसुफ साहब हैं, मुफ्ती शब्बीर साहब के बेटे,
वो हजरत के साथ पड़ोस में बैठे हुए थे। यही मुफ्ती यूसुफ साहब और मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब हमारे इंग्लैंड के सफर के कुछ अरसे से मेजबान हैं, बैठे हुए थे। उस लड़की के सामने इस्लाम के मुतालिक कुछ बातचीत हुई, तो मैं अपने सफर के कारगुजारी की तीसरी झील देखी हुई, दुनिया की तीसरी झील इंग्लैंड साथ में लेकर गया था। जो कारगुजारी इसी मस्जिद में बयान हुई थी वो अब माशाल्लाह छप चुकी है। तो दो नुस्खे साथ में थे ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब की खिदमत में पेश करने के लिए, और एक मौलाना हनीफ साहब खुद अपने मुताले के लिए रखी हुई थी। तो उसमें शुरू के अंदर एक वाकया मैंने लिखा है कि हमारे हजरत मुफ्ती साहब दामत बरका तो हम एक मरतबा अफ्रीका के सफर में, बोस्वाना के सफर में थे, तो एक ईसाई लड़की जो एयर होस्टेस थी वो हमारे हजरत मुफ्ती साहब के नूरानी चेहरे को देख करके मुसलमान हो गई थी। उसका बड़ा दिलचस्प किस्सा है, वो तीसरी झील के मुकदमे में मैंने लिखा है, उसको जरूर पढ़ लेना। तो मौलाना हनीफ साहब सफर के दौरान वो किताब पढ़ रहे थे, तो उस लड़की से इस्लाम के बारे में बातचीत शुरू हुई, तो उस लड़की को यही किस्सा मौलाना ने अंग्रेजी में तर्जुमा करके सुनाया। तो जब सुनाया तो वो लड़की पूछने लगी कि वो आपके पादरी कहाँ हैं कि जिनके हाथ पर एक एयर होस्टेस ईमान लाई थी। तो कहा कि वो पीछे ही बैठे हुए हैं। तो कहा कि उस लड़की ने उसी वक्त के ऊपर कहा कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लो। तो मौलाना हनीफ साहब उसको पहले मुझे बताए, फिर हजरत को कहा मैं उसको लेकर के आ रहा हूं। उसने आकर चंद सवालात किए, हजरत ने बहुत अच्छे जवाबात दिए, मुफ्ती यूसुफ साहब तर्जुमा कर रहे थे। वो मैं इंशाल्लाह तहरीरी कारगुजारी में वो सवाल जवाब लिखूंगा, और फिर हवाई जहाज ही में उस लड़की ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। इससे हमने एक नेक फाली ली कि हमारा ये सफर शुरू होते ही लंदन से मकदूनिया जाते ही रास्ते में एक लड़की का ईमान कबूल करना, हम नेक फाले लेते हैं कि हमारा ये पूरा सफर इंशाअल्लाह अल्लाह के यहां मकबूल है। और बहुत सो की जिंदगी के अंदर ईमान इस्लाम की ताजगी का ये जरिया है। इन ममालिक में खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने पर रूसियों की हुकूमत आई, कम्युनिज्म आया, और कम्युनिस्टों ने आकर के बेमिसाल जुल्म किए। जिस जुल्म की दास्तान हमने वहां सुनी तो दिल रोता है, और सारी दास्तानें सुनाने की जरूरत और हिम्मत भी नहीं होती है, ऐसे खतरनाक मजालिम किए। हालांकि ये पूरा इलाका, उसमें कई ममालिक आते हैं, अल्बानिया है, मकदूनिया है, बॉस्निया है, मोंटी द निगरो है, ये सब ममालिक है। इन मुल्कों में पहले बहुत सारे मदरसे थे, बड़े बड़े दारुल उलूम थे, बड़ी बड़ी मस्जिदें थी, और बाज मुल्कों के अंदर तो अक्सरियत मुसलमानों की थी। लेकिन 70 या 75 साल तक कम्युनिस्टों की जो हुकूमत रही, तो उन्होंने जो मजालिम ढाए, एक तो ये कि मस्जिदों को उन्होंने सिनेमा घर बना दिए, थिएटर बना दिए मस्जिदों को, दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी गई, कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, ऐसे सख्त कानून नाफिज कर दिए गए, और मुसलमान की मुसलमानी पहचान खत्म कर दी गई। खुद मुसलमानों को यह एहसास नहीं रहा कि हम मुसलमान हैं, और कोई इस्लामी पहचान इन्होंने बाकी नहीं रखी, इतने जुल्म किए।
बड़ी बड़ी किताबों की लाइब्रेरियां इन्होंने आग लगाई। बोस्निया में आज भी वो लाइब्रेरी मौजूद है और उसके ऊपर बाकायदा तारीख भी लिखी हुई है कि 1992 से लेकर 1995 के बीच में जो सर्बियों ने वहां जुल्म किए तो उसमें एक रात ऐसी खतरनाक आई थी कि बोस्निया के एक कुतुबखाने में, एक लाइब्रेरी में 20 लाख किताबों को जला के राख बना दिया गया। आज भी वहां बहुत अफसोस से ये तारीख वहां लिखी हुई मौजूद है, हाथ से लिखी हुई कीमती कीमती किताबें, कुरान, उसको भी बड़ी मकदार में। ये तो एक लाइब्रेरी में 20 लाख किताबें जलाई गई, उसके अलावा पूरे इलाके में जो किताबें जलाई गई उसकी दास्तान तो बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन वहां के मुसलमान भी वाकईतन हमारे लिए काबिले नसीहत है, काबिले इबरत है, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक नमूना है वहां के मुसलमान। अल्लाह हमें हमारे मुल्कों में आफियत और इज्जत के साथ रखे। उन्होंने किताब और कुरान की हिफाजत की बे इंतहा कोशिशें की, मकान में दीवारों में छुपी हुई अलमारियां बनाई किताबों को हिफाजत के वास्ते, जमीन के अंदर तहखाने बनाए, बेसमेंट बनाए और उसमें किताबों की हिफाजत की। वो कहते हैं बूढ़े पुराने लोग कि हमें अपनी दौलत से ज्यादा हमें अपनी किताबें प्यारी थी, खास करके हाथ से लिखी हुई कलमी किताबें और कुरान मजीद का हमने अपनी जान और अपनी दौलत से ज्यादा हमने उसकी हिफाजत का एहतमाम किया। हाल ये था कि किसी के घर में से एक कुरान का नुस्खा और कॉपी अगर मिल जावे तो पूरे घर को सूट कर दिया जाता था, ऐसे जुल्म थे कम्युनिस्टों की तरफ से। और उलमाए किराम को 27 साल तक जेलों में बंद किया गया, बड़े मजालिम उनके ऊपर ढाए गए। माशाल्लाह जब हालात ठीक हुए, लोगों ने तहखानों में से अभी अभी किताबें निकाली, कई जगहों के ऊपर ऐसी किताब देखने की हमको सआदत हासिल हुई, तो हमारे बाज बुजुर्गों का ये कहना था कि यहां एक नेशनल लेवल की लाइब्रेरी बनाओ और इन किताबों को उसमें रखो कि ये वो किताबें हैं कि कम्युनिस्टों के जुल्म के जमाने में 70-75 साल तक इन किताबों को तय खानों में हिफाजत से रखा गया। अब वो जो बची गुजी किताबें निकली का उसको बड़ी लाइब्रेरियों में लोगों की जियारत के लिए रखनी चाहिए। ज़ईफ लोग, बड़ी उम्र के लोग मिलते हैं जिन पर कैसे कैसे जुल्म किए गए, ईमान बच के खातिर दिल चाहता है कि हम उनमें से हरेक की पेशानी और हाथ को बोसा देवे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमको ईमान और आमाल और दीन की लाइन से बहुत बड़ी आजादी अता फरमाई है। इन मुल्कों में मुसलमानों ने अपने ईमान की कैसी हिफाजत की, कैसी अपनी दीनदारी की हिफाजत की, किताबों की हिफाजत की, और हमें तो उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। एक बेसाम नाम का शहर है अल्बानिया का, उसमें 800 मस्जिदें थी, एक शहर में 800 मस्जिदें। कम्युनिस्टों ने वो तमाम मस्जिदें खत्म कर दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन मस्जिदों में से पुरानी मस्जिदों को फिर से डेवलप किया जा रहा है, किसी में गोदाम बनाया गया, किसी में जानवरों को बांधने के लिए तबेले बनाए गए, थिएटर और मकान बना दिए गए,
दोबारा अब जब कम्युनिस्टों की हुकूमतें खत्म हुई और इस वक्त वहां लोकशाही जैसा कुछ निजाम वहां आया हुआ है, तो फिर से मस्जिदें आबाद हो रही है। इसी बेसाम शहर में हम शाम के वक्त के ऊपर पहुंचे तो असर की नमाज एक मस्जिद में आप अदा की, बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह थी कि वो मस्जिद इतनी शानदार, इतनी आलीशान जो तैयार हुई, वो हमारे गुजरात के एक बुजुर्ग के नाम पर तैयार हुई, हजरत हाफिज मोहम्मद पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर। बेसाम शहर के अंदर एक आलीशान जो है शानदार मस्जिद तैयार हुई है। आगे और भी इनका तस्केरा आ रहा है। अजीब हालात थे कि इस्लामी लिबास तक से लोगों को अदावत और दुश्मनी हो गई, और वो असरात तो आज तक बाकी है। कोई इस्लामी लिबास के अंदर जाता है तो वो समझते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, इसलिए लोग इस्लामी लिबास पहनने की अभी जैसी चाहिए ऐसी हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि कम्युनिस्टों के जमाने में रोजे रखने की भी इजाजत नहीं थी, सुबह सादिक के वक्त के ऊपर महल्लों में पुलिस आती थी, और जिसके घर के अंदर लाइट चालू हो, चिराग जल रहा हो, फानुस चल रहा हो, तो वो यूं समझते थे कि ये शहरी खाने के लिए उठे हैं, उसको नोट कर लेते थे। और फिर दिन में 9-10 बजे आकर के उनको जबरदस्ती शराब पिलवाते थे, वो सुबह आकर के मार्क कर लेते थे कि रात में इतने बजे जो है इनके घर में लाइट थी, चिराग जल रहा था, यकीनन इन्होंने सहरी खाई होगी, इसीलिए फिर जबरदस्ती उनके रोजे तोड़वा दिया करते थे। लेकिन हजार सलाम उन मुसलमानों को, अल्लाह उनको सलामती और रहमत से मालामाल फरमाए, जिन्होंने ऐसे हालात में भी आमाने इस्लाम पर अपने आप को जमा के रखा। रात के शुरू हिस्से में सहरी कर लेते थे और फिर पूरा दिन इस तरह काम करते थे कि जैसे कि रोजा ही नहीं रखा है, इस तरह मेहनत के काम करते थे, किसी को शक तक नहीं होने देते थे कि हमारा रोजा है। आज तो हमारी रमजान होती है, रोजा होता है, तो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे हिंदू भाई है वो भी हमारे रोजे की वजह से हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन उन मुल्कों के अंदर मुसलमानों ने कैसी हालत में रोजे रखे, इब्तिदाई रात के अंदर खाना खा लिया है और दूसरे दिन ऐसे मेहनत के काम करके ऐसे रहते थे जैसे कि इनका रोजा ही नहीं है। इस हाल में ये लोग जो है अपनी जिंदगी गुजारते थे और बड़े बड़े तहखाने बनाए, बेसमेंट बनाए, क्योंकि कुरान नहीं रख सकते थे तो कुरान की तालीम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब शहर में सन्नाटा हो जाता, लोग सो जाते, तो क्या रात 2 बजने के बाद छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उन तहखानों में चले जाते, बेसमेंट में चले जाते और चुपके से मुअल्लिम आ जाते और वहां बैठ करके रात की अंधेरियों में छोटे छोटे चिराग जलाकर बेसमेंट में बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता था। कैसी कुर्बानी उन लोगों ने दी। सही बात है कि वहां समझ में आता है वइन्ना लहू लहाफिजून, कुरान के हम हिफाजत करने वाले हैं जो अल्लाह फरमाते हैं। कैसे ऐसे जुल्मों के बीच में अल्लाह सुबहानहु व तआला कुरान मजीद और कुरान की तालीम की अल्लाह कैसे हिफाजत फरमाते हैं। और वो मुसलमान काबिल मुबारकबाद है जो रातों की कुर्बानी देकर के कैसे अपने बच्चों को कुरान मजीद सिखाते थे। किताब पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी बड़ा अजीब होता था।
बड़े बड़े आलिमों को कम्युनिस्टों ने जेलों में डाल दिया, कुछ आलिम लोगों को काम में जबरदस्ती लगा दिया, खेती में लगा दिया, नऊजुबिल्ला तो किसी को सफाई के काम में लगा दिया। तो उलमा ये तरतीब अपनाते थे कि खेती में काम कर रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चों को कहते थे कि तुम मेरे साथ खेती में मजदूरी करने के नाम पर या मेरी मदद करने के नाम पर खेती में आ जाया करो, मैं भी खेती में काम करूंगा, तुम भी मेरे साथ खेती में काम करो। और फुला जगह बेसमेंट के अंदर हमने ये किताब रखी हुई है, उसमें से रोजाना एक एक पेज निकाल के लाया करो। पूरी किताब लाने में तो जो है खतरा है किसी की नजर पड़ जाए, रोज एक पेज लेकर के खेत में आया करो। खेती का काम करते करते वहां के उलमा ने बच्चों को मसले मसाइल सिखाए ताकि किसी की नजर भी नहीं जाए क्या हो रहा है। वाकिया है कि अल्लाह ताला अपने दीन की कैसे हिफाजत फरमा दे, और वो लोगों में तलब कैसी होगी दीन की, सीखने वालों में और सिखाने वालों के अंदर। मेरे मुसलमान दीनी भाइयों, ये इबरत है हमारे लिए कि इस वक्त हम जिस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तालीम के ऊपर, दीन पर अमल करने के सिलसिले में कोई पाबंदी हमारे ऊपर नहीं है। अल्लाह के वास्ते इस आजादी की कदर करो, इस आजादी को गनीमत समझो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। शुक्र क्या है, ये मस्जिद, ये मदरसे, ये मकतब, ये दारुलूम, ये जामियात, ये खानकाह, ये मरकज, ये उलमा, इनसे खूब फायदा उठाओ। इन बिचारों ने 70-70 साल कम्युनिस्टों के जुल्म में रह करके किस तरह बच्चों की तालीम की फिक्र की, कुरान की तालीम की फिक्र की, दीन सीखने सिखाने की फिक्र की। और आज अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानियां कर दी है। कहते हैं वहां लोगों ने हमको बतलाया कि बोस्निया में 1992 से लेकर 1995 तक सर्बियों ने 1,00,000 मुसलमानों को शहीद किया 3 साल के अरसे के अंदर, 1992 से 1995 के अरसे में। जब शुरू शुरू में इंग्लैंड से अहबाब ने वहां जाना शुरू किया और मुसलमानों की मुलाकातें शुरू की, तो वहां के उलमा ने खुद मुझे बतलाया, वो जगह बतलाई ले जा करके अल्बानिया वगैरह में, कि हम जब आए तो यहां के मुसलमान बेचारे आम मुसलमानों में दीन की समझ इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हम जब गए तो जैसे हमारे यहां कोई मेहमान आता है उसको चाय शरबत पेश करते हैं, तो कहा इन मुसलमानों में दीन से नावाकिफियत का हाल ये था कि हम जब उनके घर जाते थे मुलाकात के लिए तो हमको इस्तकबाल में शराब पेश करते थे, तमीज ही बाकी नहीं रही थी। क्योंकि 70-75 साल तक जब दीन की तालीम आम न हो, मस्जिदें वीरान हो गई हो, मदरसे मिटा दिए गए हो, मकातिब खत्म कर दिए गए हो, तो फिर आम मुसलमानों में तो तालीम का सिलसिला कहां से बाकी रहेगा। ये तो चंद अल्लाह के बंदे ऐसे हिम्मत वाले कि जिन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियों के साथ छुप छुप करके कुरान और दीन की तालीम का सिलसिला बाकी रखा। वो जो हजरात जाते थे
वो मुझे कहने लगे कि हम जब यहां पहली मर्तबा आए अल्बानिया मकदूनिया तो छोटे छोटे बच्चे क्रॉस लेकर के यानी वो सलीब ईसाइयों का निशान लेकर वो हमको मिलने आते थे और हमारा इस्तकबाल करते थे। इतने फितने के जमाने के अंदर भी इस्लाम की अलामत की तीन चीजें इन्होंने बाकी रखी थी। नंबर एक, खतना का अल्हम्दुलिल्लाह आम रिवाज था, इतने फितने के जमाने में भी खतना होती थी। दूसरी चीज, टूटे फूटे भी इस्लामी नाम बचे हुए थे, बिगड़े हुए बनाए हुए। और तीसरी चीज, खिंजीर और सुअर से लोग बचते थे। ये तीन चीज ईमानी अलामत बाकी थी। हमारे सफर, इस सफर का जो आखिरी से पहला दिन था, जोहर की नमाज एक मस्जिद में अदा की हमने। इतनी प्यारी अजान हो रही थी, सब साथी मोबाइल चालू करके अजान रिकॉर्ड कर रहे थे। आधी अजान हुई तो साथियों को शौक हुआ कि मौजिन साहब को भी देखे, कौन मौजिन साहब है इतनी प्यारी अजान दे रहे हैं। तो अजान वाली जगह पर देखने गए तो हैरत की इंतिया न रही कि रिकॉर्डिंग से अजान हो रही थी। कहा दुश्मनों ने हालात ऐसे खड़े कर दिए कि इस वक्त जो मस्जिदें फिर से आबाद हो रही है वहां अभी अजान देने वाले भी हमको पूरे तौर पर मयस्सर नहीं हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेहनतों के बाद मस्जिदें दोबारा आबाद होना शुरू हुई है। हर जगह मस्जिद के साथ 30-35 मीटर का मीनारा जरूर बनाते हैं, इस बात की निशानी होती है कि यहां मुसलमान है या इस्लाम है, मस्जिद के मीनारे से अंदाजा हो जाता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कहीं पर्दे भी नजर आना शुरू हुए, बुरके भी नजर आते हैं, इस्लामी चीजों की दुकान भी होती। इस्लामी चीजों का मतलब है काबतुल्लाह के फोटो मिलते हो, मदीने मुनव्वरा गुम्बदे खिजरा के फोटो मिलते हो, कुरान मजीद तस्बीहात कुछ दीनी किताबें मुसल्ले अरबी जुब्बे, ऐसी दुकानें भी अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है। बात दरअसल ये है, हमने साथियों के साथ वहां मुजाकरा किया कि यहां आधे से ज्यादा बल्कि बाज मुल्कों में जैसे अल्बानिया वगैरह में अक्सरियत यानी बहुमती मुसलमान थे। तो मुसलमान जिनमें से एक बहुत बड़ी तादाद को नऊज़ु बिल्लाह मुर्तद बना दिया गया, उनकी पहचान कैसे करें, कैसे हम उन तक पहुंचे कि ये हमारे मुसलमान हैं। इसलिए कि पहचान भी इंतहा मुश्किल, कलर रंग बिल्कुल यूरोपियन गोरे जैसे वहां के मुसलमानों के, और जाहिरी शक्ल सूरत भी वैसी का, वो तो खुद आकर के हमसे मिले तो अंदाजा होता है कि ये मुसलमान है, वरना उसके बगैर बजाहिर कोई जो है तमीज करना मुश्किल है। अलबत्ता अब जो वहां पर माशाल्लाह कुछ मस्जिदें बन रही है तो मुसलमान जो है उनके दिलों में इस्लाम के बारे में और पक्के मुसलमानों के बारे में बे इंतहा मोहब्बत के जज्बात है, बे इंतहा, मैं इसको ताबीर नहीं कर सकता। जहां जहां भी हमारे बयानात हुए तो ये शक्ल सूरत इस्लामी लिबास देख करके वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे नौजवान लड़के बड़ी उम्र के लोग सब मोबाइल लेकर आते हैं कि हमारे बाजू में खड़े रहो, हम सेल्फी लेंगे, यादगार के तौर पर लेंगे। इतनी उनको खुशी होती है, बे इंतहा खुशी होती है, और वो साथ साथ लगे रहते हैं। उनको इतनी खुशी होती है कि हमारे मुसलमान भाई दूसरे मुल्कों से महज इस्लामी निस्बत के ऊपर हमारी मुलाकात के लिए आए। तो ईमानी भाईचारा, ईमानी उखवत, ईमानी मोहब्बत वो उन मुल्कों में जाकर के हमको समझ में आती है
और उसकी कदर हमारे सामने होती है। अल्लाह सुबहानहू व तआला मरहूम हाफिज पटेल साहब की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। एक छोटे से माणिकपुर टकोली के गांव का रहने वाला वो इंसान डाभेल में पड़े, पूरे यूरोप को इन्होंने हिला दिया अपनी फिक्रों से। ऐसे कम्युनिस्टों के दौर के खत्म होने के बाद मैकडोनिया में हम बुध की शाम को पहुंचे, तो जुमेरात की दोपहर के अंदर हमारी खुशी की इंतिया उस वक्त नहीं रही कि आज दोपहर का प्रोग्राम यहां के एक बहुत बड़े तबलीगी मरकज पर है। मैं वहां पहुंचा, हजरत मुफ्ती तकी साहब दामद बरकात हम भी तशरीफ लाए। पता चला कि ये पूरा मरकज जो कायम हुआ ये मरहूम हाफिज पटेल साहब की फिक्रों की बरकत से कायम हुआ, और अब आइंदा यहां पर दारुलूम कायम करने का भी प्लान है। यही हाल अल्बानिया में तिराना शहर के पास में एक बड़ा आलीशान मरकज बन गया, बेहतरीन मरकज जिसमें मस्जिद है, रूम है, बड़ा मैदान है। बल्कि अजीब बात बतलाऊं, हम अपनों की कदर नहीं करते। हमारी हैरत उस वक्त हुई, हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामद बरकात हमने भी जो कारगुजारी का बयान किया उसमें भी इन्होंने इसका तस्करा किया है, और हमने खुद अपनी आंख से देखा कि वहां अल्बानिया में तिराना शहर जो उसकी राजधानी है, कैपिटल है, वहां एक पूरे रोड का नाम सरकारी तौर पर हाफिज मोहम्मद पटेल रोड रखा गया है। खुद अपने अपनी आंखों से पढ़ा। अल्लाह हमें अपने अकाबिर की कदर की तौफीक अता फरमाए। और वहां के असबाब ने बतलाया कि सर्बियों के मजालिम के दौर के अंदर हमारे पास असबाब की बहुत कमी थी, सामान बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद हमने अल्लाह से लो लगाने में कमी नहीं की। असबाब कम थे लेकिन अल्लाह से ताल्लुक, खुदा के साथ लो लगाना, ध्यान लगाना, उसमें हमने बिल्कुल कमी नहीं की। तो बोस्निया में कई लोगों ने बतलाया कि हमारे पास अल्लाह ताला की खुल्लम खुल्ली मदद आई, जिस मदद की बरकत से हम लोग कामयाब हुए सर्बियों के मुकाबले में। पूछा, क्या मदद आई आपकी अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर? तो कहा, यहां बहुत से सर्बी ईसाइयों का बयान है और कुछ हमारे लोगों को ने भी ये मनाजिर देखे कि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग मैदान मुकाबले के अंदर आते थे और दुश्मनों से जंग करते थे। हालांकि वहां दाढ़ी पर पाबंदी थी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो नजर आए, वहां सबका ये कहना था कि अल्लाह की तरफ से फरिश्तों ने आकर के मुकाबला किया। ये अभी की बात, 1995 की बात। कहा, ये इस बात की बरकत थी कि असबाब और सामान की कमी, लेकिन अल्लाह से जो लो लगा करके रखी, उसकी बरकत से मलाइका की मदद हमारे पास आई। और अल्लाह ताला ने हम लोगों को उनके मुकाबले के अंदर कामयाबी अता फरमाई। मुल्कों में जो ये मदरसे, मकतब, मस्जिद, दावत का काम, खानका, ये जो आजादी से करने का मौका अता फरमाया, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी की बरकत से जो दीन पर अमल करने की आजादी है, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हकीकत ये है कि हमारे आमाल जब तक अच्छे रहेंगे, अल्लाह से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे,
वहां तक हमारे ऊपर हुकूमतें भी अच्छी रहेगी। जहां हमारे आमाल बिगड़े तो अल्लाह ताला हुकुमरानों को भी बिगाड़ते हैं, बिगड़े हुए हुकुमरान मुसल्लत होते हैं। इसीलिए हम बिगाड़ का मतलब ये है कि हुकुमरान बुरे अखलाक के आते हैं, इसीलिए हम लोग अपने आमाल को अच्छे बना करके रखे। और ये जितने भी दीनी मुबारक सिलसिले हैं उन मुबारक सिलसिलों की कदर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुबहानहु व ताला हमको और हमारी आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। और दुनिया की इन ममालिक में रहने वाले हमारे अहले ईमान भाइयों के लिए हम दुआएं करें, दुआओं में हम उनका हिस्सा लगाए। अल्लाह सुबहानहु व ताला हमारी इस मजलिस को कहने सुनने को बे इंतहा कबूल फरमाए और इन कारगुजारियों को हमारे लिए इबरत और नसीहत का सामान बनाए। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।